की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज मैं आपको तीन गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज तीन गेम खेले, तीनों ही तगड़े गए, मतलब अच्छे किल्स, यानी कि दो चार किल किए मैंने। कॉन्कर लॉबी में 10-10, 15-15 किल वाले गेम प्ले दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहले उतरते मुझे शॉटगन मिलती है एंड मुझे लगा नहीं था यहाँ पर कोई कूदेगा, क्योंकि आजकल ना मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ऐसी जगहों पे कूदना जहाँ पर कोई ना कूदता हो एंड वहाँ पर कूदने के बाद लूट वगैरह करनी एंड बंदों की तलाश में निकलना। अब जैसे यहाँ पर मैं गन उठा रहा था तभी मुझे यहाँ पर साउंड आ जाता है कि मेरे साथ वाले घर की तरफ कोई कूदा एंड जैसे मैं इधर आता हूँ एंड यहाँ पर मुझे एक बंदा मिल जाता है। इस बंदे को निपटाने के बाद यहाँ पर मैं लूट वगैरह करने लग जाता हूँ एंड इधर से निकलेंगे बंदों की तलाश में। एंड आज की वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपने किल्स वगैरह देखे, जो एक तरह से आप कह सकते हैं इंट्रो था मेरा, तो उसमें मैंने आपको वो सारे किल्स दिखाए हैं जो इस सीजन में मैंने किए थे बट मैंने अपलोड नहीं की थी वीडियो। तो आज मैंने जितनी भी वीडियोस थी सारी की सारी निकाली एंड उसको एक छोटी सी क्लिप में कन्वर्ट किया एंड मैंने इंट्रो लगा दिया। तो काफ़ी सारे बंदे सोच रहे होंगे कि ये जो मोड है ये तो जा चुका है, तो हाँ मोड जा चुका है बट सारी इसी सीजन की वीडियोस थी, तो मैंने सोचा ये वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने उसका एक इंट्रो बना के लगा दिया। ठीक है, अब चलते हैं बंदों की तलाश में निकलते हैं। अब मैं यहाँ पर लूट वगैरह कर ही रहा था तभी मुझे बाहर से साउंड आता है एंड ये एक बोट था। यहाँ पर मैं लूटने के लिए आया था क्योंकि और कोई लोकेशन मुझे सही से दिख नहीं रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर लूट वगैरह कर लेता हूँ एंड लूट वगैरह करने के बाद इधर से भी निकलते हैं। अब यहाँ पर मैं गाड़ी लेके निकल ही रहा था तभी मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखेगा एंड वो बंदा इस गाड़ी में था। और भाई ये बंदा ऑफलाइन नहीं था, ये बंदा मुझे ऐसा दिखाना चाहता था कि यहाँ पर कोई नहीं है बट मैंने इस बंदे को देख लिया था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले इसे मारने की कोशिश करता हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास कोई स्कोप भी नहीं था और ऐसी कोई गन भी नहीं थी जो रेड डॉट लगा के वहां तक मारा जाए, बट मैंने ट्राई किया। और भाई जिस गन में 50 ammo हो और भाई उस गन से अगर आप फायर करोगे चाहे कितनी भी दूर हो बंदा मरना ही है उसे। तो इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ से हम निकलते हैं एंड ये वाला बंदा रियल प्लेयर था। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक बंदा स्नाइपर से काफ़ी सारे बंदों को मार रहा है, इसे भी हम मारेंगे। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले बंदों को ढूंढते हैं। अगर आप काफ़ी दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ड्रॉप जब गिरता है तो ड्रॉप की तरफ मैं भागा चला जाता हूँ एंड ऐसे ही पोचिंकी में होता है, पोचिंकी में ड्रॉप गिर रहा था तो मैंने सोचा चलो इसे लूटते हैं जाके। एंड मैंने सोचा सीधा नहीं जाते हैं ड्रॉप पे, क्योंकि जब आप रैंक पुश करते हो ना तो आपकी तरह और भी काफ़ी सारे बंदे ड्रॉप लूटने आते हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे बंदे कैंप कर लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि यहाँ पर हम कैंप करेंगे, जब तक कोई ड्रॉप को लूटने नहीं आता तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे और जैसे कोई लूटने आएगा उसे मार देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई आता है या नहीं। तो 20-25 सेकेंड वेट करने के बाद ही यहाँ पर एक गाड़ी आती है एंड सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि इसे मैं नेड से मारूंगा बट मेरा नेड जो है वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। तभी उस बंदे को कोई उधर से मारने लग जाता है एंड इधर से मैं उसे फिनिश कर देता हूँ, मतलब कि उसने डैमेज दिया था मैंने फिनिश कर दिया। अब ये जो बंदा इसे मार रहा था ये मेरे पे पुश करेगा, उसे वही स्नाइपर वाला मारेगा जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, जो काफ़ी देर से स्नाइपर से बंदे मार रहा था और वो मेरे सामने 2-3 बंदों को मार देगा, देखना आप। यहाँ पर मैं लेट के वेट कर रहा हूँ एंड मुझे साउंड आ गया था कि मेरे सामने वाले घर में कोई आया है, अभी अभी आया है, तो मैं सोचता हूँ कि इसे मैं मारूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रिस्क नहीं ले सकता था ऊपर रहने का, क्योंकि ऊपर अगर वो नेड कर देता तो मेरा काम तमाम हो जाता। तो मैंने सोचा यहाँ पर वेट करता हूँ। देखो इसने स्नाइपर से चिपका दिया ये YT वाले को। अब इस वाले को मैंने देख लिया था यहाँ पर बट मैंने जब तक उसे मारने की कोशिश करनी थी तब तक वो कवर में चला जाता है। अब मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ यहाँ पर कि कोई और आएगा ड्रॉप को लूटने तो उसे मारेंगे। अब यहाँ पर मैं लेट के बंदों की तलाशी कर रहा था तभी मुझे यहाँ पर साउंड आता है, सामने वाले घर में कोई और बंदा आ चुका था। तो मैं पहले सोचता हूँ इसके ऊपर मोली करूँ एंड तभी मुझे साउंड आ जाता है कि ये वापस से भाग गया इधर से पीछे की तरफ एंड मैं मोली को कैंसिल करता हूँ एंड देखना सामने वाला बंदा फिर से इसे मार देगा। अब यहाँ पर मैं वेट कर ही रहा था कि मैं किसी तरीके से उसे मारूँ तभी तक उसने फिर से स्नाइपर चिपका दी। अब इस वाले बंदे को हम कैसे मारते हैं वो आप देखना। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा क्योंकि उसने 2-3 बंदे मारे हैं तो किसी को तो लूटने जाएगा ना, तो यहाँ पर देखना सीन क्या होता है। अब यहाँ पर मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मुझे एकदम से ही पता नहीं चला कि वो मेरे नज़दीक इतनी नज़दीक कैसे आ गया। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप की तरफ ही देख रहा था बट मुझे पता ही नहीं चला वो बंदा ड्रॉप की तरफ इतनी जल्दी आया कैसे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं देखता हूँ ड्रॉप पे कोई बैठ के उसे लूट रहा है तभी यहाँ पर मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इतना गंदा हगा हूं ना, मैंने इस कारल के ऊपर क्लिक किया बट पिस्टल सेलेक्ट हो गई और पिस्टल से मैंने फायर भी कर दिया और वो बंदा लगभग लगभग कवर में पहुंच ही गया था बट मैंने संभाल लिया एंड उसे इजिली मार दिया।
एंड इसे मारने के बाद इसकी पेटी लूटते हैं स्मोक करके एंड इधर से भी निकलते हैं। अब उस वाले बंदे की पेटी लूटने के बाद मैं इस वाले घर में आ जाता हूँ पोचिंग की, क्योंकि जोन यहीं पर बना था, तभी मुझे साउंड आता है। और भाई ये बंदा क्या ही हगा है यहाँ पर, कसम से बोलूं इसके पास दो दो मशीन गन थी, वो भी ऐसी गन जो सबसे पावरफुल गन है इस गेम की। भाई दो मशीन गन लेके इसने हग दिया। और भाई मैं इतना यहाँ पर खुश हुआ ना कि भाई मुझे मशीन गन मिल गई, अब तो चिकन डिनर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जब जब मुझे अगली मशीन गन मिली है, मुझे चिकन डिनर तो मिला ही है, लगभग 90% मुझे चिकन डिनर मिला है। तो इस वजह से मैं M4 भी छोड़ देता हूँ एंड अपनी MK भी छोड़ देता हूँ, दोनों मशीन गन ही उठा लेता हूँ मैं भी। अब यहाँ पर मैं मशीन गन को रीलोड कर ही रहा था, तभी मुझे साउंड आता है बाहर से। और भाई इस बंदे को तो क्या ही उतारा है भाई, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पर हम दोबारा से मशीन गन को रीलोड करते हैं एंड इधर से निकलते हैं। अब यहाँ पर जो जोन था मेरे से हट चुका था, तो मुझे किसी न किसी एक ऐसी लोकेशन पे जाना था जहाँ पर जोन हो एंड कवर भी हो। तभी मुझे यहाँ पर दो घर दिखते हैं जो कि कवर में भी थे एंड जोन में भी थे, एंड जहाँ तक मुझे लग रहा था इसमें कोई नहीं होगा, एंड यहाँ पर आने के बाद भी मुझे लग जाता है पता है यहाँ पर कोई नहीं है। बट जो मेरे सामने वाले घर थे जहाँ पर आपको गाड़ी भी दिख रही होगी, वहाँ पर 2 से 3 बंदे थे, अभी आपस में लड़ेंगे एंड उसके बाद मैं इनको कैसे मारता हूँ वो देखना। अब यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक वेट करता हूँ, इन सब की फाइट हो जाती है, आखिरी बंदा जब यहाँ से निकलने वाला होता है तभी देखो इस बंदे को यहाँ पर 6x लगा के हमने मशीन गन पे इजीली निपटा दिया। एंड उसके बाद मुझे ये डर था कि 5 बंदे बचे हैं और सबके सब मेरे आसपास ही हैं, मेरे पे नेड आने का खतरा था। बट यहाँ पर और कोई मेरे पास चारा भी नहीं था, मैं कहीं जा भी नहीं सकता था, तो मुझे यहीं पर रिस्क लेना था। तभी यहाँ पर आके मैं होल्ड कर लेता हूँ एंड लेट जाता हूँ। लेटने के बाद यहाँ पर मैं वेट करता हूँ कि कोई अगर मेरे पे पुश करेगा तो फिर उसे निपटाएंगे, या फिर कोई दिख जाएगा तो उसको मारेंगे। अब यहाँ पर मैं बंदों को देखने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे कोई दिख जाए तो मैं उसे मारूं, तभी मुझे साउंड आता है यहाँ पर BRDM का। पहले मैं इसमें आधा स्प्रे करता हूँ एंड आधा स्प्रे करने के बाद मैं अंदर इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि मेरे आसपास भी कोई हो सकता था जो मुझे मार दे, है ना, इस वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी एक बंदा प्ले जोन से मर जाता है एंड ये मेरी तरफ आ रही थी, मुझे लगा कि ये मेरे को पुश करके मारेगा, बट ये बंदा तो अजीब ही था। एंड उसके बाद जितनी गोलियां थी मैंने उतार दी एंड यहाँ पर BRDM फट जाती है। फटने के बाद मुझे एक और किल मिल जाता है, ये किल तो एक तरह से फ्री का ही मिला मुझे, क्योंकि ये पता नहीं क्या करना चाहता था। जब तुझे पता है सामने वाले बंदे के पास ऐसी गन है जो एक स्प्रे में ही तुझे फाड़ सकती है, उसके साथ ये मतलब ट्रोल कर रहा है भाई, मतलब हद होती है यार, मतलब थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो। तभी यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यार जोन ज़्यादा ही छोटा हो गया अगर मेरे पास कोई हुआ तो। तभी मैं इस वाले घर पर आता हूँ देखने के लिए कि कोई है तो नहीं, तब मुझे पता चलता है कि इस वाले घर में कोई नहीं है, बट मुझे जोन में जाना है। अब 5 मीटर मुझे जोन में जाना था, अब मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं किधर जाऊँ। तभी मैं नीचे वाले घर में जाता हूँ एंड नीचे वाले घर में जाने के बाद पता चलता है कि नीचे वाला जो घर है वो पहले से ही जोन में है। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ यहीं पर होल्ड करूंगा। अब यहाँ पर मैं आके थोड़ा सा होल्ड कर ही रहा था, तभी यहाँ पर देखना क्या सीन होता है। तभी यहाँ पर मेरे पे मोली आती है एंड भाई साहब यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्रिंक लगाता हूँ एंड मुझे पता चल गया था कि मेरे बिल्कुल सामने ही बंदा लेटा हुआ है जिसने मोली की है। अब मैं बाहर जाके देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखू जाके कौन है। तभी यहाँ पर मेरे पे एक नेड आता है, बट वो नेड बाहर ही गिर जाता है। अब बाहर गिरने के बाद मुझे बंदा भी दिख जाता है, तो मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ एंड भाई ये बंदा तो बहुत ही गलत तरीके से मरा। अब यहाँ पर आके मैं BRDM के पास लेट जाता हूँ एंड मुझे ये नहीं पता था कि बंदे कहाँ पर है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर स्मोक वगैरह कर दिए एंड तभी यहाँ पर देखना मैं कैसे मरता हूँ। अब स्मोक वगैरह करने के बाद वहाँ पर मेरे पास नेड वगैरह आने लग गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर रिस्क है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं स्मोक एक और करता हूँ एंड मेरा जो स्मोक है थोड़ा सा लेट हो गया था एंड सामने वाले बंदे ने मुझे देख लिया एंड ईजिली मार दिया। तो ठीक है, ठीक गया मैच, मतलब इस वाले मैच में इजिली चिकन डिनर हो सकता था, बट मैंने थोड़ा सा हग दिया, इस वजह से थोड़ा काम खराब हो गया। एंड इस वाले मैच में मेरा कितना प्लस होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ करियर रिजल्ट पे एंड यहाँ पर देख लो आप खुद ही, यहाँ पर मेरा 10 किल के साथ 16 प्लस हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट मैच में। अब इस वाले मैच में भी मैं थोड़ा सा अलग तरीके से खेल रहा था, क्योंकि अगला सीजन आ रहा है ना, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कैसे खेलना है अगले सीजन में, तो इस वजह से मैं अलग अलग तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा था। इस वाले मैच में मैं क्या करता हूँ ना, गाड़ी पे कूदता हूँ एंड सबसे पहले गाड़ी अपने पास रखता हूँ एंड साथ में जो मेरे आसपास घर है उनको लूटता हूँ। लूटने के बाद निकलेंगे सीधा बंदों की तलाश में। अब यहाँ पर मैं लूट वगैरह कर ही रहा था, तभी मुझे यहाँ पर से साउंड आता है किसी के भागने का एंड मैं साउंड के पीछे भागने लग जाता हूँ।
एंड तभी मुझे पता चलता है कि भाई ये तो बोट महाराज है जो हमारी केडी प्लस करवाने के लिए आए हैं, तो मैं इनको मारता हूँ सबसे पहले एंड इनकी पेटी बनाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से मैं गाड़ी लेके निकलता ही हूँ, तभी मुझे यहाँ पर गाड़ी क्रॉस करते हुए, पुल से जब मैं क्रॉस करता हूँ तो थोड़ा धीरे ही क्रॉस करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ना साउंड आ जाता है। तो जैसे ही मुझे साउंड आता है तो मैं गाड़ी रोक के देखने की कोशिश करता हूँ कि मुझे साउंड आया वो बंदे का ही था या फिर मुझे ऐसे ही लगा कि कोई था उधर। तभी यहाँ पर गोली भी चल जाती है तो मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ एंड गाड़ी घुमाने के बाद मुझे ओपन में एक बंदा दिखता है सबसे पहले तो, एंड ये बंदा गोलियाँ नहीं चला रहा था, ये भाग रहा था और दूसरी तरफ से गोलियाँ चल रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर शायद दो तीन बंदे हैं तो यहाँ पर जाके फाइट लेते हैं, क्या पता अपने को किल वगैरह मिल जाए। एंड यहाँ पर देखना क्या सीन होगा, ऐसी हरकत कभी भी मत किया करो भाई, बुरा लगता है। आप देखना क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर आता हूँ, मुझे लगता है कि यहीं पर होगा बंदा बट यहाँ पर नहीं होता, तभी मैं आगे की तरफ जाता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे साउंड आ जाता है कि कोई पानी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ एंड तभी यहाँ पर हमें जेफरी भाई मिल जाते हैं। भाई ये क्या कर रहे थे पता नहीं बट ठीक है, इनको मारने के बाद यहाँ पर मैं गाड़ी लेके निकलूंगा अपनी एंड यहाँ पर देखना क्या सीन होगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ एंड यहाँ पर से मैं निकल जाता हूँ, मुझे क्योंकि इतना तो पता था यहाँ पर एक और बंदा है बट वो बंदा मुझे अपनी लोकेशन नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा चलो इधर से निकलते हैं। एंड यहाँ पर से मैं जैसे ही निकलने वाला होता हूँ तभी आप देखना क्या होता है, इस बंदे ने फिर से मुझे यहाँ पर टैप टैप करके बुला लिया। ठीक है, तो मैं दोबारा से जाता हूँ इस बंदे की तरफ एंड यहाँ पर मुझे वो बंदा दिख भी जाता है देखो। एंड जैसे वो बंदा मुझे दिखता है तो यहाँ पर मैं लेट जाता हूँ सबसे पहले, तो मुझे ये तो पता था कि वो ओपन में है, अब मुझे उसकी लोकेशन का भी हल्का फुल्का पता था कि वो किधर की साइड है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लेट जाता हूँ। लेटने के बाद जिधर की तरफ वो बंदा मुझे दिखा था उधर की तरफ मैं स्मोक करता हूँ, सबसे पहले उसने मेरे पे नेड किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना वो बंदा कूदने लग जाएगा, जब उसे पता चलेगा ना कि मुझे उसकी लोकेशन का पता है तो बंदा कूदने लग जाता है। देखो उस पर मैंने स्मोक किया, अब वो उधर की साइड ही था, तो मैंने पहला स्मोक किया, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और स्मोक करूंगा क्योंकि वो स्मोक खत्म होने वाला था और वो बंदा आता ही नहीं है मेरी तरफ, तो यहाँ पर मैं आराम से लेटा हूँ, अभी देखना क्या सीन होता है। अब यहाँ पर देखो मैं आराम से लेटा हूँ, वो बंदा कूद रहा है और ऐसे बंदे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तुझे फाइट नहीं लेनी थी, ठीक है, मैंने इसके सामने बोट को मारा था पहले, फिर भी इसने यहाँ पर आके पहले मेरे पे नेड किया, मेरे पे फायर किया, मुझे उकसा के बुलाया बोट फायरिंग करके और मुझे नहीं मार पाया। जब इसको पता चल गया कि ना ये भाग सकता है ना मैं इसे भागने दूंगा, तो कूदने लग गया। ये क्या बात हुई भाई, अगर ये पहले ही कूद जाता ना जब मैंने बोट को मारा था तो कूदते कूदते मेरे पास आ जाता तो मैं छोड़ देता, बट नहीं, इसको तो पहले मारने का ट्राई करना है, जब नहीं मार पाया तो कूदना है। ऐसे नहीं होता भैया जी, ऐसे तो हम पेलेंगे, वो भी गंदे तरीके से पेलेंगे। तो यहाँ पर इसको पेलने के बाद निकलते हैं इधर से। अब यहाँ पर जैसे ही मुझे पता चलता है कि भाई जोन के बिल्कुल एज पे किसी ने फ्लेयर मंगा रखी है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो रिस्क लेते हैं एंड फ्लेयर को लूटने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ फ्लेयर को लूटने के लिए एंड यहाँ पर देखना क्या सीन होगा, यहाँ पर अपने को अपने एक सब्सक्राइबर भी मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर किसी ने अपने पे फायर किया, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले गाड़ी खड़ी है और यहीं पर मुझे लगा कि बंदा है क्योंकि स्प्रे तो यहीं से आ रहा था, तभी मुझे ओपन में दिखता है बंदा एंड टैप टैप करके हम इसे मार देते हैं। मारने के बाद यहाँ पर मैं शैक के अंदर जाता हूँ एंड जो दूर से अपने पे फायर कर रहा था उसको मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं दूर वाले को देखने की कोशिश करता हूँ वो बंदा पहले से ही कूद रहा होता है। अब देखो ऐसे बंदे मैं कभी नहीं मारूंगा, जो बंदा पहले से ही कूद रहा है भाई, जिसको पता है तुम कहाँ पर हो एंड वो कूद रहा है। अब वो था तो ओपन में, मारने को तो मैं इसे भी मार सकता था ना, बट मैंने इसको क्यों नहीं मारा। ऐसे बंदे होते हैं सब्सक्राइबर, और वो जो नल्ले प्लेयर हैं जो पहले मारने की कोशिश करते हैं उसके बाद कूदते हैं, तो वो बंदे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अब इसके साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं भाई के साथ एंड यहाँ से इसको अलविदा करके हम निकलते भाई हैं। हेलो भाई, भाई बिग फैन भाई, दूसरी बार आया आप मैच में। अब यहाँ पर मैं भाई के साथ बातचीत कर ही रहा था तभी मुझे साउंड आता है बाहर से एंड इस वाले बंदे को मारते हैं, यहाँ पर ड्रॉप लूटते हैं सबसे पहले जाके एंड इधर से निकलते हैं। अब ड्रॉप लूट के मैं इस वाली लोकेशन पे आता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पर भी एक ड्रॉप गिरा था, जिस ड्रॉप को लूटने के लिए एक बंदा आया था, जो बंदा मेरे सामने वाले घर में था, तो यहाँ पर मैं इसे ही मारने आया था बट ये बंदा मुझे दिखता नहीं है काफ़ी देर तक, तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि होल्ड करूंगा एंड यहीं पर आपको उसका ड्रॉप भी दिख रहा होगा, सामने गाड़ी भी दिख रही होगी, तो यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक होल्ड करता हूँ एंड यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ और अपनी गलती की वजह से मरने वाला हूँ, देखना क्यों मरता हूँ मैं। एंड यहाँ पर जैसे ही मैं सामने वाले बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ तभी पीछे से बोट फायरिंग होती है, तो मैं सोचता हूँ कि शायद कोई होगा एंड तभी यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है पट से।
तो यहाँ पर इस वाले बंदे को पट्ट से देने के बाद हम थोड़ा सा वेट और करते हैं कि हमें और कोई बंदा दिख जाए जिसे हम मार सकें। तो यहाँ पर हमें कोई भी नहीं दिखता क्योंकि बोट फायरिंग किसी और ने की थी और ये जो बंदा था ये कोई और था। अब मैं सामने वाले को देखने की कोशिश करता हूँ, सामने वाला भी मुझे नहीं दिखता, तो यहाँ पर थोड़ी देर हम होल्ड करते हैं। अब काफी देर होल्ड करने के बाद मैं सोचता हूँ कि चलो जोन में निकलते हैं क्योंकि पीछे से जोन आ गया था, फालतू में मरने वाला चांस था यहाँ पर। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने लगता हूँ तभी मुझे सामने बंदा दिख जाता है एंड बंदे को मारने के बाद यहाँ से मैं गाड़ी उठाता हूँ एंड गाड़ी उठाने के बाद यहाँ पर मैं जोन में जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं गलती क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे गाड़ी का साउंड आता है। जैसे ही मुझे गाड़ी का साउंड आता है तो मैं सोचता हूँ ना इसको ठोक के मार दूंगा। अब यहाँ पर गलती यही की मैंने, यहाँ पर ठोकने वाला जो सीन होता है ना, अब यहाँ पर बंदे के पास होती है MK, अब मेरे पास होती है ग्रोजा। ठीक है, दोनों पे लेवल 3 का सामान, अब वो 10 HP बचता है सिर्फ। यहाँ पर गलती यही हो जाती है कि उसके पास ग्रोजा से अच्छी गन थी, अगर मेरे पास MK होती तो शायद मैं उसे मार देता। एंड मेरी बग्गी 2 बार पलटी, उसकी बग्गी पलटी नहीं। यहाँ पर मेरे साथ थोड़ा सा BGMI वालों ने नाइंसाफी नहीं यार सही खेला बंदा। चलो चलते हैं अब अगले मैच में। अब ये वाले मैच की बात की जाए तो भाई क्या ही मैच था, मतलब देखना कहाँ कहाँ से हम निकाल के इस वाले मैच को लेके गए। एंड में मेरे पास गोलियां ही खत्म हो जाती है भाई साहब, मतलब इस वाले मैच में मेरे पास गोलियां हर वक्त ही खत्म रहती है। बट हम किस तरह से इस वाले मैच को निकालते हैं वो देखने वाली बात होगी। सबसे पहले मैं इस वाली लोकेशन पे कूदता हूँ जहाँ पर अक्सर मैं कूदता हूँ, बट यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं कूदता। तो यहाँ पर थोड़ी सी लूट वगैरह करते हैं, इधर से निकलते हैं। अब मैं यहाँ पर लूट वगैरह कर ही रहा था तभी मुझे यहाँ पर साउंड आता है, और भाई इतनी लेट कौन कूदता है भाई, कब से लूट रहा हूँ यहाँ पर मैं। उसके बाद इसका साउंड आया एंड जैसे ही मैं इसे मारता हूँ यहाँ पर मैं दोबारा लूटने लग जाता हूँ एंड लूटते लूटते फिर से मुझे साउंड आता है कि कोई मेरे घर के पास है। एंड ये थे हमारे बोट महाराज जो कि हमें फिर से किल देने आए थे एंड दूर कहीं पर भी फायरिंग चल रही थी इसके अलावा। तो मैं ओपन में भागता हूँ एंड उसे देखने की कोशिश करता हूँ एंड भागते भागते वो बंदा दिख भी जाता है एंड इसे हम टैप टैप करके मार देते हैं। अब यहां पर देखना क्या सीन होगा, मैं बाइक उठाता हूं एंड मुझे सामने से फायर का साउंड आया एंड मैं फायर की तरफ भागने लग जाता हूं। अब यहां पर 2 बंदे थे, दोनों टीम अप करके खेल रहे थे शायद। अब यहां पर सीन देखो क्या होता है, सबसे पहले तो यहां पर किसी ने किसी को मारा मिनी से एंड यहां पर मैं पहुंच जाता हूं, सामने पेटी का धुआं दिखा। अब यहां पर देखो सामने भी बंदा है पीछे भी बंदा है, अब ये बंदा क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर मैं कितना गंदा हगा हूँ भाई, मतलब क्या थोड़ी थोड़ी गोलियां चला रहा हूँ। अब उस बंदे के पास कार 98 थी जो पीछे वाला बंदा था जिसने अभी पेटी को लूटा था, शायद उसने कार 98 उठाई होगी एंड उसको रीलोड कर रहा था तभी वो मेरे को पहले नहीं मार पाया। जैसे उसने गन स्विच करके मुझे मारने की कोशिश की मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले हील लगाता हूँ एंड यहाँ पर अपने 4 किल हो गए थे। जो सामने वाला बंदा है उसको मैं एंड तक नहीं मार पाऊंगा इस वाले मैच में क्योंकि मैं थोड़ा डर डर के खेल रहा था। अब यहाँ पर हो क्या रहा था सीन देखना, मैं थोड़ी देर तक वेट करता हूँ सबसे पहले उसका। अब वेट करते करते मैं घर के अंदर आ जाता हूँ तभी यहाँ पर देखो गोलियां चलने की मुझे साउंड आते हैं। तभी मुझे पता चल जाता है कि भाई सामने 2 बंदे हैं जिसमें से एक बोट है, एक वही बंदा है जिसको मैंने मारने के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एंड यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में से मुझे कोई दिख जाए। तभी मुझे एक बंदा दिखता है एंड वो फिर से कवर में चला जाता है और ये वही बंदा था जिसने मुझे 0.5 HP कर दिया था। तभी यहां पर मुझे बोट दिख जाएगा ऊपर की तरफ अब यहां पर मैंने बोट को मारा एंड इस वाले बंदे पे सीधा पुश कर दूंगा। अब यहाँ पर कितने बंदे थे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था और मेरा स्प्रे तो इस वाले मैच में भाई साहब क्या था, मतलब इतना टट्टी स्प्रे। वैसे तो 4X में मेरा स्प्रे अच्छा है भी नहीं बट फिर भी यार इतना गंदा स्प्रे तो मेरा नहीं था। बट जैसे यहाँ पर मैं सामने आता हूँ एंड यहाँ पर बंदे को देखता हूँ एंड इस वाले बंदे पे मुझे पुश करना था बट वो ओपन में भागने लग गया था पीछे की तरफ। अब इसने गाड़ी यहीं पर रोक दी एंड ओपन में पीछे की तरफ भाग के कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, बाद में ये मुझे दिखा ही नहीं। अब यहाँ पर जो सामने बग्गी वाला था जिसको मैंने शायद काफ़ी डैमेज दिया था, वो बग्गी वाला घूम के मेरे सामने वाले घर पे आ जाता है एंड ये कूद रहा होता है एंड डर भी रहा होता है।
तो ये डर रहा होता है, इस वजह से मैं भी इसे कूद के दिखाता हूँ। अब जब आपको टीम अप करना है या फिर मेरे से बातचीत करनी है मैच के अंदर, अगर आप मुझे जानते हो, मेरे मैच में आ गए हो, तो अगर मैं आपको नहीं मार रहा हूँ, आप कूद रहे हो, तो भाई समझ लो मैं आपको नहीं मारूंगा। अगर मारना होता इतनी देर में मार देता। तभी यहाँ पर ये बाइक वाला आता है एंड इसकी बाइक का टायर मैं पंचर भी कर देता हूँ, साथ में इसको डैमेज भी दे देता हूँ, बट ये किसी न किसी तरीके से निकल जाता है। तभी ये बंदा भी बिना डरे मेरे पास आ जाता है एंड इससे मैं बातचीत करता हूँ एंड यहाँ से निकलते हैं बंदों की तलाश में। अब यहाँ पर इस वाले मैच में इतने गलत सीन होते हैं, सबसे पहली बात तो मुझे लूट नहीं मिलती ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास गन कौन सी है, देखो शॉर्ट गन लेके घूम रहा हूँ भाई साहब एंड जोन में, कॉन्कर लॉबी में शॉर्ट गन लेके घूम रहा हूँ। दूसरी गन कौन सी है, UMP। तभी यहाँ पर मुझे मिलती है एक गन, ऑटो गन, तो इसको उठाता हूँ मैं। उठाने के बाद यहाँ पर देखो सामने वाले घर में मेरा बंदा है, ठीक है। अब उस बंदे पे मैं पुश भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर जितने घर हैं सभी के अंदर कोई ना कोई बंदा है, क्योंकि काफी छोटा जोन है एंड जाहिर सी बात है छोटा जोन है तो बंदे भी इन्हीं घरों में होंगे आसपास ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ जब तक मेरे ऊपर जोन है एंड उसके बाद मैं जोन बनने का वेट करूंगा। अब यहाँ पर जो जोन था वो सिर्फ 30 मीटर आगे था, तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरे पास एक इंजेक्शन था, सबसे पहले इंजेक्शन लगाता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर अपनी गाड़ी लेके जोन में घुसा देता हूँ। अब यहाँ पर किस्मत देखना मेरी, सबसे पहले तो यहाँ पर देखना सीन क्या होता है। अब यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि नीचे से जाता हूँ, क्योंकि ये पुल जो है वो ओपन पुल है नीचे से, तो नीचे से पुल के अंदर अंदर से मैं जोन में निकल जाऊंगा। एंड सामने 3 स्टोरी में बंदा था जो कि आप सभी को बताया। अब ये मुझे डैमेज देता है, यहाँ पर डैमेज देने के बाद यहाँ पर मैं आके अपनी गाड़ी फंसा देता हूँ, यहाँ पर मैं जोन में आ गया था। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड देखता हूँ कि वो वाला बंदा अगर दिखता है तो इससे फाइट लेंगे। अब यहाँ पर सीन क्या होता है, ना मेरे पास एमओ है ज़्यादा, ना मेरे पास नेड है, ठीक है, सिर्फ मेरे पास स्मोक है थोड़े से जो कि मेरे एंड में काम आएंगे। अब यहाँ पर पीछे से जोन स्टार्ट हो गया था, अब मुझे ये पता था कि मैं जोन में हूँ, अभी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। 4 ही बंदे बचे थे, ज़्यादा बंदे बचे भी नहीं थे। अब यहाँ पर मैं मरूंगा कैसे वो देखने वाली बात है, बिना एमओ के कितना लड़ लेगा यार बंदा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ सबसे पहले। अब जोन बन गया था 20 मीटर आगे, ठीक है, तो 10-15 मीटर मुझे आगे गाड़ी को लेके जाना था, तो किसी तरीके से मैं गाड़ी को धक्का लगा के आगे लेके जाता हूँ एंड यहाँ पर लाके खड़ा कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जोन था तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गाड़ी के ऊपर स्मोक कर लेता हूँ एंड गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ जाके। अब काफ़ी देर तक तो यहाँ पर मैं सर्वाइव करता हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के, तभी यहाँ पर जोन बन जाता है थोड़ा सा और आगे एंड एक बंदा BRDM लेके भागता है जोन की तरफ एंड इस पर मैं थोड़ी सी एमओ वेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये याद ही नहीं था कि मेरे पास इतनी कम एमओ है, तो यहाँ पर जब मुझे समझ में आता है कि मेरे पास एमओ बची ही नहीं है, तब यहाँ पर मैं स्मोक करता हूँ एंड सोचता हूँ कि चलो जोन में चलते हैं, क्योंकि 27-28 सेकंड में जोन आने वाला है और बाद में ये भागने नहीं देंगे मुझे, तो मैं आ जाता हूँ इस वाले शैक पे। एंड जैसे ही मैं इस वाले शैक पे आता हूँ तभी मेरे पे आता है एक नेड एंड भाई इस नेड से मेरी HP हो जाती है 50%। और यहाँ पर मुझे समझ में आ गया था कि अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास यहाँ पर हीलिंग है, ठीक है ना, ना मेरे पास यहाँ पर ड्रिंक है ना, ना मेरे पास एमओ है, मतलब मरना तो है ही। और यहाँ पर फिर मैं मार देता हूँ इस वाले बंदे को। अब इस वाले बंदे की पेटी लूटने के चक्कर में ही मैं मरूंगा, क्योंकि देखो मैं काफी देर तक यहाँ पर वेट करता हूँ, कम से कम नहीं तो 1.5-2 मिनट तक यहाँ पर वेट करता हूँ एंड मैं समझ जाता हूँ कि सामने वाले घर में ऊपर ही है बंदे। अभी देखो कैसे मरता हूँ मैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम वेट करेंगे, थोड़ी देर तक वेट करेंगे यहाँ पर। एक बार आप जोन देखो कितना छोटा हो गया है एंड इस जोन के बाद मरना तय है, क्योंकि एमओ तो है नहीं, है ना। तो मैं सोचता हूँ इस वाले घर पे जाता हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं स्मोक करता हूँ एंड स्मोक की पिन जैसे खींचता हूँ नीचे वाला जो बंदा था वो आके मुझे मार देता है। अब मरना तो तय था यार, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था अपने पास, सिर्फ 20 MO थी जिससे मैं खेल नहीं सकता था। तो यहाँ पर इस वाले बंदों के हाथों मरने के बाद यहाँ पर हम एग्जिट करते हैं और आज वाले मैच को खत्म करके यहाँ पर आज सीजन खत्म है, मतलब कल सुबह हो ही जाएगा। तो ये वाला सीजन अच्छा गया, आप सभी का कैसा गया कमेंट करके बताना। बाकी आज मेरे पास जितने गेम प्ले थे सब खत्म कर दिए मैंने, अब मैं अपनी स्टोरेज को खाली कर पाऊंगा एंड कल से फिर से स्टार्ट करेंगे न्यू सीजन की रैंक पुश। एंड आप मेरे को बताना कि भाई किस में पुश करूँ, सोलो में, डुओ में या फिर स्क्वाड में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।